दोस्तों, पानी हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट है ये आपको शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करने से आप कई तरह की बीमारियों से बचे रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमें पानी कैसे पीना चाहिए? शायद नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को खड़ा होकर पानी पीने की आदत होती है। अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार अगर आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो आप कई तरह की बीमारियों को दावत देते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर खड़े होकर पानी पीने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों, पहला नुकसान आता है किडनी की बीमारी। किडनी का काम पानी को छानना होता है, लेकिन खड़े होकर पानी पीने से पानी किडनी से सही तरीके से बिना छने ही बह जाता है, जिससे किडनी और मूत्राशय में अक्सर गंदगी रह जाती है। इसके परिणाम स्वरूप आपको यूरिन मार्ग में इन्फेक्शन और किडनी की बीमारी हो सकती है। दोस्तों, इसका दूसरा नुकसान है आर्थराइटिस का। खड़े होकर पानी पीने से सबसे प्रमुख समस्या जो सामने आती है वह है आर्थराइटिस। अगर आपको भी खड़े होकर पानी पीने की आदत है तो बचपन में आपकी यह आदत आपको आर्थराइटिस का शिकार बना सकती है। खड़े होकर पानी पीते रहने से जोड़ों में मौजूद तरल पदार्थों का संतुलन बिगड़ जाता है और इन तरल पदार्थों का संचय अधिक मात्रा में जोड़ों में होने लगता है, जिससे आर्थराइटिस की समस्या होने लगती है। दोस्तों, इसका तीसरा नुकसान होता है पेट की बीमारियों में। खड़े होकर पानी पीने से पानी फूड पाइप के जरिए तेजी से नीचे बह जाता है। तेज धार पड़ने से पेट की अंदरूनी दीवार और आसपास के अंगों को नुकसान पहुंचता है। बार बार ऐसा होते रहने से पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बैठकर भी आपको धीरे धीरे छोटे छोटे घूंट में पानी पीना चाहिए। यह पानी के आवश्यक अनुपात के साथ मिलकर शरीर में एसिड के स्तर को ठीक से करने में मदद करता है, लेकिन खड़े होकर पानी पीने से शरीर में एसिड का स्तर कम नहीं होता है। दोस्तों, पानी पीने के बावजूद आप प्यासे रह सकते हैं। जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो आपकी प्यास पूरी तरह से बुझ नहीं पाती और आपको बार बार पानी पीने की इच्छा करती है। इसलिए अपनी प्यास को बुझाने के लिए आपको बैठकर और छोटे छोटे घूंट में पानी पीना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, इसका एक और साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि ये आपको अपच का शिकार बना सकता है। जब आप बैठकर पानी पीते हैं तो आपकी मसल्स और नर्वस सिस्टम अधिक रिलैक्स होता है और इस तरह से नर्वस तेज़ी से तरल को पचाने में मदद करता है, जबकि खड़े होकर पानी पीने से आप हमेशा अपच के शिकार बने रह सकते हैं। इस तरह से खड़े होने के पानी पीने की आदत आपकी बीमारियों को न्योता देती है। तो दोस्तों, आप समझ गए ना कि आपको सेहतमंद रहने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, अगर आप भी खड़े होकर पानी पीते हैं तो कृपया बैठकर पानी पिए, इससे आपकी हेल्थ में फ़ायदा होगा और कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो जानकारी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ, क्योंकि इस चैनल में हम आपके लिए इसी प्रकार की हेल्थ जानकारी लेकर आते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।